प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। कई महीनों के उपरांत मैं आपको एक नया वीडियो देने जा रहा हूं, जो कि बिल्कुल नया है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चों, आपका इंटरेस्ट कम देख करके मैंने बीच में वीडियो डालना ब्रेक कर दिया था, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक सका। अब इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो अवश्य देखें और अपने ज्ञान वर्धन में इनको अवश्य शामिल करें। बच्चों, मेरा कुछ भी दिखावटी नहीं होता, स्टाइलिश नहीं होता। तो आज का जो टॉपिक है वह है यूज ऑफ टैग्स। टैग्स क्या होता है आप सभी नहीं जानते हैं। व्हाट इज टैग? टैग क्या होता है? आंसर, ए टैग इज ए स्मॉल पीस ऑफ कॉर्ड और क्लॉथ विच अटैच टू एन ऑब्जेक्ट और पर्सन एंड हैज इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑब्जेक्ट और पर्सन ऑन इट। यह टैग की डेफिनेशन हो गई। क्या है कि ए टैग इज ए स्मॉल पीस ऑफ कॉर्ड और क्लॉथ विच इज अटैच टू एन ऑब्जेक्ट और पर्सन एंड हैज इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑब्जेक्ट और पर्सन ऑन इट। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? टैग मीन्स बांधना। टैग मीन्स बांधना होता है, टांकना भी होता है, पीछा करना चेस, आंशिक प्रश्न उत्तर अर्थात क्वेश्चन टैग, चिट पीस ऑफ कार्ड, तुकबंदी राइम, फीते की घुंडी रिबन नॉट, वाक्यांश पीस ऑफ सेंटेंस, प्रतीकांश लेबल इटीसी। तो टैग के क्या अर्थ होते हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझा दिया है कि टैग का क्या अर्थ होता है। अब जो साहित्यिक दृष्टि से है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से है, वो है टैग्स और क्वेश्चन सेंटेंस। ये अब प्रतीकांश ही होते हैं। अब इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझने कोशिश करेंगे। पहले तो ये बता रहा हूं कि ये टैग्स या क्वेश्चन सेंटेंस क्या होते हैं। तो टैग्स आर आइदर क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स और रिस्पॉन्सेस, और इन तीनों के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। तो टैग्स आर आइदर क्वेश्चंस, टैग्स प्रश्न का एक अंश होता है, या स्टेटमेंट्स या किसी कथन का एक अंश होता है, या रिस्पॉन्सेस किसी आंसर का एक पार्ट होता है। तो देखिए, अब एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझेंगे क्वेश्चन टैग्स क्या होता है। जैसे यह सी इज ए डॉक्टर, ये तो स्टेटमेंट है। सी इज ए डॉक्टर, ये स्टेटमेंट है जो पॉजिटिव है। तो यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मोस्टली क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा और वो शॉर्ट में होगा। जैसे सी इज ए डॉक्टर, इज नॉट सी, तो इज नॉट सी ये क्वेश्चन टैग है। ये पूरा नहीं लिखा जाता, वह एक डॉक्टर है क्या वह नहीं है। तो यहां पर जैसा कि समझाया था कि हैज इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑब्जेक्ट और पर्सन, ये इंफॉर्मेशन होती है, इज नॉट सी। उसके बाद ही इज नॉट हियर, इज ही, यहां पर स्टेटमेंट निगेटिव है और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है।
तो ही इज नॉट हियर, इज ही, वह यहां नहीं है, क्या है? तो यह प्रतीकांश है। थर्ड, दे कुड हियर मी, कुड नॉट दे, तो दे कुड हियर मी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और कुड नॉट दे ये क्वेश्चन टैग है। तो दस क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट एडिशंस टू सेंटेंसेस आस्किंग फॉर एग्रीमेंट और कंफर्मेशन। नाउ दस क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट एडिशंस टू सेंटेंसेस आस्किंग फॉर एग्रीमेंट और कंफर्मेशन। अब हम इसका अन्य प्रकार से अध्ययन करते हैं, वो यह है कि आफ्टर नेगेटिव स्टेटमेंट, यदि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो किस प्रकार से होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू डिड नॉट सी हिम, डिड यू, सी कैन नॉट स्विम, कैन सी, दैट इज नॉट राम, इज इट, तो डिड यू, कैन सी, इज इट, यह क्वेश्चन टैग्स है। आफ्टर अफर्मेटिव, ये निगेटिव के पश्चात थे, अब ये अफर्मेटिव के पश्चात होंगे। मोहन हेल्प यू, मोहन हेल्प यू, अफर्मेटिव है, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, डिड नॉट ही। जॉन वाज देयर, वाज नॉट ही। नेक्स्ट, व्हेन द सब्जेक्ट इज एनी वन, नो वन, नन, एनीबडी, नाइदर, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, वी यूज प्रोनाउन दे। फॉर एग्जाम्पल, नो वन वुड ऑब्जेक्ट, वुड दे, तो इस प्रकार से नो वन, एवरी वन दिए हैं, तो यहां पर हम प्रोनाउन दे का प्रयोग करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। एवरी वन वार्न्ड यू, डिड नॉट दे, तो क्वेश्चन टैग क्या है, वुड दे या डिड नॉट दे। इसके अलावा यस नो वाले भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द डोर कैन नॉट हैव बीन लॉक्ड, तो आंसर हो सकता है यस इट कैन, क्वेश्चन टैग क्या, वो आंसर टैग क्या होगा, यस इट कैन, और निगेटिव होगा नो इट कैन नॉट। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन टैग है डिड द ट्विंस गो, तो आंसर होगा यस दे डिड, और अथवा नो दे डिड नॉट। तो बच्चों इस प्रकार से तुमने देखा कि यदि हमारा स्टेटमेंट या क्वेश्चन टैग या आंसर टैग कुछ भी है, यदि अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। इस प्रकार से बच्चों आज मैंने आपको ये टैग्स के बारे में पढ़ाया है, आशा करता हूँ कि यदि आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो अवश्य समझ में आएगा, और इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका डीप स्टडी करें कि भविष्य में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। थैंक यू।